मस्जिद का इमाम है और यहाँ बेरोजगारी की वजह से बैठा है बेचारा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। आज कैसे बैठे हो अकेले अकेले? यार बस रोजी लगती नहीं है इसलिए अकेला बैठा हूँ। चले आए मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। ठीक है सर। ये मौलवी साहब मेरी ज़मीन है, आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई फसल करना चाहते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह भला करे, आपकी उम्र दराज करे। हाँ जी ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक ठीक। सुभान अल्लाह कितनी सोनी फसल है। ये किसका गद्दा है? इस पर मैं वजीफा को पढ़ता हूँ, ये गायब हो जाएगा। ये किसका गद्दा है? मेरी इतनी फसल खा चुका है, इस पर मैं कोई वजीफा पढ़ता हूँ, ये गायब हो जाएगा। आज चलता हूँ, कल देखूंगा इसे। फिर गधा, मेरी इतनी फसल खा चुका है, मेरा कितना नुकसान हो गया, मेरे वजीफे ने तो काम ही नहीं किया, आज फिर मैं इस बार वजीफा पढ़ता हूँ। सुबह देखूंगा। यार मेरी फसल तो सारी गद्दा खा चुका है, मेरा इतना नुकसान हो चुका है, मेरा वजीफा क्यों नहीं काम कर रहा? यार ये गद्दा तो मेरा नुकसान कर रहा है, रोजाना सारी मेरी फसल खा चुका है। ये भाई समझदार लगता है, इसे पूछता हूँ। भाई जान। जी जी, इधर आओ। क्या हुआ? यार इस पर मेरा वजीफा काम ही नहीं कर रहा। क्या माजरा? क्या है माजरा बताएं। माजरा ये है। अच्छा हाँ जी, वजीफों से काम नहीं करते, वो डंडों से काम होता है, ठीक है ना? आप मुझे पैसे दे 50,000, ये मैं आपका काम में कर देता हूँ। ओके हो जाए, जल्दी कर। ये ना 50,000, ये कोई काम था, इसको पकड़ो। यही बात थी आपके प्लांट से 2 मिनट में मैंने गधा बाहर निकाल दी बस। मेरे इतने वजीफे पढ़ने के बावजूद गधा गायब नहीं हुआ, लेकिन उसने 1 मिनट में गधे को भगा दिया।